हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बटर कुकी जो कि आसानी से बन जाती है, बस हमें चाहिए सही मेज़रमेंट। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बटर। मैंने यहाँ 100 ग्राम बटर लिया है। फिर हमें चीनी चीनी हमें चाहिए पिसी हुई। जितना हमने बटर लिया है उतनी हमें चीनी लेनी है, 100 ग्राम। चीनी को हमें छलनी से छान लेना है ताकि जो भी गुठलियाँ हों उसमें ना जाए। अब हमें इसे बीटर से इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्कस का भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर को आपको अच्छे से मिक्स करना है, जब तक इसमें वाइटिंग ना आ जाए तब तक आपको उसको मिक्स करते रहना है। थोड़ा टाइम लगेगा। चीनी और बटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, देख सकते हैं आप कि इसमें वाइटिंग आ चुकी है। तो हमें इस टाइप का बैटर चाहिए। अब हमें लेना है मैदा 1 कप। जितना आपने चीनी लिया उसे डबल आप मैदा लें। और हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। मैदा को भी आप छलनी से छान लें। फिर उसमें डालें 2-3 स्पून कॉर्नफ्लोर और हल्का सा बेकिंग पाउडर। और इन सभी को चीनी और बटर के बैटर में मिला दें और इसे अच्छे से मिक्स कर। एक ही बार में मैदा नहीं डालना है, हमें हाफ हाफ करके डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। कि मैदा भी मैं इसमें मिला दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कुकीज के लिए बैटर रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है। तो हम इसी टाइप का हमें बैटर चाहिए। अब इसे हम पाइपिंग बैग में भरेंगे। कुकीज़ को बेक करने से पहले हमें अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। बेकिंग ट्रे पे अब हम बटर लगा लेंगे। इसी तरह अब हमें कुकीज़ को शेप देना है। सारी कुकीज़ को अब मैंने बेकिंग ट्रे पर सेट कर दिया है। अब हमें इसे बेक करना है। हमें कुकीज़ को 160 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करना है। देख सकते हो आप कि हमारी कुकीज़ बेक हो रही हैं। कुकीज़ हमारी बेक हो गई हैं। अभी ये गर्म है तो हम थोड़ी देर से ठंडा होने देंगे। आप भी ये कुकीज़ ज़रूर बनाएं, जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है और बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। हमारी कुकीज़ ठंडी हो चुकी हैं, देखिए आप कितनी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। और ये बाहर के कुकीज़ से घर पे बनाना बहुत टेस्टी बनता है और उसका टेस्ट भी अलग होता है, फ्लेवर भी। आई होप मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।